तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ जिसमें कई सारे चीज कवर होंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है कि हमारे एक रवि जी है जो यूके से हैं, जो हमारे पास क्लासेस लेते हैं, तो उनका एक एक प्रॉब्लम है कि उनके पास एक फाइल आती है नोट पैड में। ठीक है सर, फाइल जो आती है वो नोट पैड में आती है। मैं दिखा भी सकता हूँ कौन सा फाइल था नोट पैड का। नाउ नोट नोट पैड का फाइल है ये डेटा है। डेटा का काफी ज्यादा लार्ज डेटा है हमारा, तो उसको इसको जो है इंपोर्ट करते हैं किसी किसी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंपोर्ट जब करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद डेटा उनके इसमें आ जाता है सर। रिकॉर्ड अलाउ दीजिए सर। ओके, तो उनको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि डेटा इंपोर्ट हो जाए। राइट सर। अब इंपोर्ट होने के साथ साथ इंपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, तो नॉर्मली भी कर सकते हैं, ये कोई खास नहीं है। अब इनके पास क्या है कि डेटा जो है तकरीबन यहाँ पे देखिए 6 लाख का डेटा है, 6,16,870 डेटा है। हेलो। हाँ जी सर। अब उनको क्या करना है कि इस डेटा को 25-25 हजार के फॉर्म में डेटा को एक एक सीट के ऊपर मूव करना है। ओके। मतलब कि क्या करेंगे कि 25,000 का डेटा सीट वन में, 25,000 बाकी दूसरा अगली 25,000 सीट टू में, उसके अगली 50-25,000 सीट थ्री में, इस तरह से डेटा होगा। समझे जी। तो अब इसको जो है करना है, समझ गया सर। तो चलिए इसमें कई सारी चीज हम कवर करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। तो कॉपी करके हम एक लोकेशन पे एमएफ के लोकेशन में हम डाल देते हैं। तो इंपोर्ट, अगर डेटा को इंपोर्ट करना है, तो अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे सीबीसी में रिकॉर्डिंग और माइक्रो ऑन कर दिया है। रिकॉर्डिंग माइक्रो से भी इसकी सहायता ले सकते हैं, उसकी कोडिंग में भी है, दोनों मेथड आपको मैं समझाऊंगा। ये हैंग क्यों रहा है जितना, मैं एक बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर बताऊंगा कि उसकी कोड को समझाऊंगा, क्योंकि दोनों कोड समझना जरूरी है सर। इसके बाद आपको टेक्स्ट टू कॉलन का ऑप्शन आएगा, जब भी नोट पैड से हम करते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे लोड, अच्छा इसमें टेक्स्ट टू कॉलम का लोड नहीं आया, क्योंकि 2013 में 16 में टेक्स्ट टू कॉलम आता है सर, इसलिए टेबल को आगे डेटा सर। अब इसकी डेटा को यहाँ जाके रीड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसमें कोड कोड समझते हैं। चलिए पहले तो इसकी कोड थोड़ा सा लंबा बनता है इस तरह से, एक्टिव सी क्यूरी डॉट एड नेम, क्यूरी का नेम लिखी जगह कुछ भी दे सकते हैं, फॉर्मूला ये पूरा है आपका, इसमें आपका फाइल का पाथ वगैरह सब कुछ होता है, कितने कॉलन है, 4 कॉलन है, तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी है 4 ही होगा, अगली फाइल में हो सकता है 10 कॉलन हो, समझे सर। आपका सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सिस्टम है, कोड मोस्टली आप इसमें समझ ही जाएंगे, जो कोड समझ में आएगा मैं आपको बोलिएगा, हम समझा देंगे, ये रिकॉर्ड करके भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग माइक्रो में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे भी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम कोड के जरिए कैसे, सॉरी कोड के जरिए कैसे इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम बताते हैं, मैं यहां से हटा देता हूं।
तो कोड के जरिए इंपोर्ट करने के लिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट देता हूँ गेट फाइल के नाम से। यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे मुझे, राइट सर। सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं डिम माई फाइल, चाहे एम फाइल कर दीजिए, माई फाइल कर दीजिए, माई फाइल डिम टेक्स्ट ए स्ट्रिंग टेक्स्ट लाइन उसके बाद इसमें हो सकता है लेट एज इन टीजर, इसको पी कर देता हूँ, इधर लंबा को रखते हैं। सिखा तो उस समय था सर, उसी समय सीसी को फॉलो कर रहा हूँ, हमेशा आदत है। यहाँ पे एक कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे दो एक साथ हम दो वेरिएबल भी डिजाइन कर सकते हैं, हमें अलग अलग दे दिए, लाइनअप खुद बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं माई फाइल इकट्ठा हो माई फाइल इज इक्वल टू, अब मुझे इसमें अपने फोल्डर का पाथ देना होगा जिस फोल्डर में मेरा फाइल सेव है पूरे एक्सटेंशन के साथ। हमारा फाइल का पाथ हो गया। ओके यस सर। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम गेट ओपन फाइल नेम भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना सर। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, यहां पर हम करते हैं ओपन है। देखिए टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए जिस आपको लिखना है ओपन इनपुट, इनपुट होगा पी इनपुट एज हैश वन नोट पैड फाइल। किसी फाइल को ओपन करने का सिस्टम यही है, ओके। तो फाइल ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद मुझे इस फाइल के सारे नंबर्स चाहिए ना सर, तो यहां पे लिखेंगे डू अंटिल, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितने लाइंस हैं। Do until EOF end of file, comma one. एक ही फाइल है इसलिए one. अब यहां पर देना होगा line input hash one, क्योंकि यहां पर hash one है ना हमारा सर, comma हमने ऊपर यहाँ पे आपका टेक्स्ट लाइन हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया था ना, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन
सर। और फिर यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट के साथ हम कॉन्कैटेनेट करेंगे टेक्स्ट लाइन को, और फिर यहाँ पे हमारा लूप हो जाएगा। ठीक है सर, फिर हम नोटपैड की फाइल को क्लोज करते हैं, क्लोज हैश वन। सर ये टेक्स्ट लाइन किस लिए है? टेक्स्ट लाइन है, जैसे कि उस डेटा को रीड करके हम यहाँ स्ट्रिंग पे डाल रहे हैं ना, हमें किस पे डालना है, स्ट्रिंग पे डाल रहे हैं ना। अच्छा, तो हमें यहाँ पे वो लाइन को कॉपी करके डालना होगा ना वन बाय वन। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस यूज जो होता है हमारा वो होता है कि नोट पैड में से किसी एक फाइल को सर्च करने, क्योंकि जितनी भी नोट पैड की पूरी डेटा जो है आपको टेक्स्ट पे आ गया हुआ है, राइट सर। अब इसमें से कोई चीज सर्च करवानी है आपको, तो आप इसको सर्च कर सकते। इसके लिए था, लेकिन हमें तो पूरी की पूरी डेटा को कॉपी करना है ना। तो अब पूरी की पूरी टेक्स्ट पे हो गई, तो अगर मैं यहां पे देता हूं रेंज ए वन डॉट वैल्यू, तो क्या होगा पता है सर? इसको मुझे यहाँ पे एक बार टेक्स्ट को हटा देता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ डालता हूँ, इक्वल टू और ए हमारा वन नहीं होगा, इसके साथ पी इसे लिया था और यहाँ पी ऊपर में इससे ऊपर इक्वल टू पी प्लस वन, और ये इंटीजर में लॉन्ग लेता हूँ क्योंकि मुझे 6 लाख का डेटा है ना। चलिए इसको एक बार रन करके देखें। नॉट रिस्पॉन्ड, 6 लाख का देता है ना सर। हो गया ना, देखते क्या किया इसने, इसने इसको एक ही लाइन के ऊपर डाल दिया सर। दिख रहा है सर आपको?
सबको अलग अलग सेल्स में रखना है, अलग अलग सेल्स के ऊपर, इसके लिए कुछ करना होगा सर। मिलाते हैं इसमें नोटपैड में, क्या कैसे है इसमें टेक्स्ट टू कॉलम जैसे करना है ना? हाँ, तो टेक्स्ट टू कॉलम अगर हम करते हैं तो ये आपका चार कॉलम है ना आपका ये, तो इसमें आपका एक दो तीन चार, हाँ इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, देखिए कॉपी किया और इसमें मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ, नहीं कैप लगाता हूँ, कोड फॉर्मूला, मैं ये करूँ इसमें से, सर एक ऐसा भी होता है ना टेक्स्ट स्ट्रीम न्यू लाइन से जो एक फॉर्मूला हमारे पास स्प्लिट का फंक्शन होता है VBA में, अरे में VBA में स्प्लिट का फंक्शन होता है। हाँ भाई, तो यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं स्प्लिट, एक मैं इसको अलग लगा कर देखता हूँ, जाइए मैं इसको एक अलग सेल में लगा कर इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ लगता हूँ, क्योंकि सर तरीके तो और भी हैं सर, समझे ना, पर प्रॉब्लम हमें 25-25 हज़ार अलग करना है ना, अगर हमने दूसरा तरीका अपनाया, एक एक लाइन को रीड नहीं किया, पूरे डेटा को रीड करवा दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर मुझे एक और माइक्रो बनाना पड़ेगा जो कि अलग से सेपरेट करेगा इसको, सेपरेट समझ गया, सेपरेट करने का, तो हम चाहते हैं कि इसी में वो ना, समझे? सही बोल रहे, तो यहाँ होगा एस पी स्प्लिट, क्या मैं स्प्लिट का फॉर्मूला, और स्प्लिट में हमने दे दिया यहाँ पे n डॉट वैल्यू, और सेपरेशन कैसे करना है, डिलीमिटर कैसे है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया सी एच आर और इसके अंदर में 9, मैं एक बार इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ स्प्लिट इक्वल, यहां पे एक चीज और आता है लिमिट एज ए लॉन्ग, कम ऑन फॉर्मा मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो जो सी रेंज पे लग गया, लेकिन फंक्शन में यहाँ कैसे लगेगा, यहाँ पूछ लगाना है ना, तो यहाँ पे सी, तो अगर मैं यहाँ कॉमा लगाया और कॉमा हमने दिया यहाँ पे 1, तो पूरा आ रहा है ना, पूरा तो पहले को अलग करे फिर दूसरे को अलग करे, मैं ऐसा कुछ नंबर सिस्टम कर दूं, मैं नहीं समझे, ऐसा नंबर सिस्टम कर रहा था। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसी पे करता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, मैं यहाँ पे स्प्लिट का फॉर्मूला देता हूँ, स्प्लिट स्प्लिट ब्रैकेट ओपन, और डिलीमिटर में यहाँ पे मैं देता हूँ सी एच
आर सेपरेशन के लिए हमने दे दिया होगा। ठीक है, अब मैं लूप में एक ही यहां पे ऐड कर देता हूं, तो मुझे एक ही लूप चलाना है। ठीक है ना, एक ही से पता चल जाएगा ना। एक ही को दिया, बाकी को दिया ही नहीं। ओके, और पेस्ट करते हैं, इसके जगह मैं बी कर देता हूँ। क्या होगा, शॉप की शॉप की शॉप की में स्प्लिट फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। टेक्स्ट टू कॉलम लग सकता है एक सेल में, ये देखते हैं। देखिए क्या इसको, इस चीजों को मैं पहली बार कर रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। ठीक है ना सर, चीजों को हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए सोचना पड़ रहा है, इतना जरूरत नहीं रहता अगर मैं इससे पहले किया होता। मैं कोई रिकॉर्डिंग ऑन करके टेक्स्ट को कलम चलाता हूँ। अब इसी को हम यहां इसी कोड को कॉपी करते हैं और इस कोड में रन करते हैं। अब यहां पे सिलेक्शन हो गया ना, यहां पे तो सिलेक्शन के जगह पे हम इसको कॉपी करते हैं, इसको देते हैं। ठीक है सर, और डेस्टिनेशन में हम ये दे देते हैं। ठीक है सर, देखते क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रन करता हूँ। अब मैं यहां से इस एंड को हटाता हूं और पूरा ओवरऑल फाइल करता हूं। तो टाइम लेगा, इंतजार कीजिए।
काफी ज्यादा टाइम ले लिया उसने। ये जो तरीका हमने बताया था सर, ये तरीका क्या होता था कि जैसे नोट फाइल में हमारी फाइल आती थी समझे, उसमें से क्या होता था कि आईडी होती थी, उस आईडी के अगेंस्ट में हमें फाइंड करना पड़ता था, उस आईडी के अगेंस्ट को फाइंड करना, जहां जहां वो आईडी जिस लाइन में है उसको कॉपी करना था, तो वहां पे इसको यूज किया था सर। अच्छा एक तरीका और मैंने बताया है, मैं उसको भी यूटिलाइज करता हूँ, जाइए बंद हो जाए। स्किप से नहीं स्किप से तो हैंग हो गया, स्किप से हैंग हो गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। स्किप SCRIPTING स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेट बी जे फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, वो ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर था FSO, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट फाइल है, इज इक्वल टू ओ ऑब्जेक्ट ओ बी जे एफ एस ओ डॉट ओपन टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फाइल नेम, तो FN कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा वन, क्योंकि एक फाइल ओपन करना है, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ओपन TAT टेक्स्ट फाइल FN फाइल, सही है। फिर फाइल हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देंगे डू जे फाइल, जेट फाइल डॉट एट एंड ऑफ एंड एट एंड ऑफ स्ट्रिंग ST लास्ट में चला जाएगा, इसलिए हमने दिया एट एट EMBO EN ऑफ STR TREAM होगा। बाद यहाँ पे हमने कर दिया STR लाइन, स्ट्रिंग लाइन फाइल डॉट रीड लाइन। सर वहां इक्वल टू ब्लैंक होगा ना, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नहीं 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 ये जो हमने बोल यहाँ पे जो हमने लगाया डू अंटिल, मतलब कि कब तक चले, ये चले ऑब्जेक्ट एट जब तक ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि लास्ट तक
ऑब्जेक्ट की, पता है ना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे दे सकते हैं कि इफ एस टी आर लाइन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि ब्लैंक लाइन को ना ले, सिर्फ एंटर मारे होगा तो ना ले, देन हम यहाँ पे देते हैं सेल्स आई कॉमा वन इक्वल टू एस टी आर लाइन, समझे, डेटा एस टी आर लाइन लाइन पे ही जाएगा। और फिर हम यहाँ पे आई को इंक्रीज करते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस वन, इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हम यही चेक कर सकते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 25,000, 25,000 से अलग करना है ना हमें, 25,000 देन हम यहां पे कर देंगे सीट्स सीट्स डॉट एड डॉट नेम। यहां पे हम पी ले लेते हैं, पी को कर देते हैं सीट नेम के, हो जाएगा हमारा डेटा साथ कंबाइन कर देते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे i इक्वल टू वन कर देता हूँ ताकि से स्टार्ट हो, और यहाँ पे हमारा एंड इफ और फिर वापस एंड इफ होगा, यहाँ पे एंड इफ और यहाँ पे हमारा लूप, दो इफ था ना हमारा, दो इफ था, दो इफ क्लोज कर दिया, लूप क्लोज कर दिया, और फिर ओ बी जे फाइल डॉट और फिर ओ बी जे एफ एस ओ एफ एस ओ इक्वल टू नथिंग, जरूरी है बना, फिर दोबारा माइक्रो नहीं चलेगा, नथिंग नथिंग में आना चाहिए, देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। एक बार तो मैंने इसको यूज किया था, अब काफी टाइम पहले यूज किया था सर इसको, एक बार डेटा देख लेता हूँ रन करने से पहले। ईमेल डिबग फाइल नॉट फाउंड टीएक्सटी करना था ना मैं, प्राइमरी मेथड नॉट सपोर्ट, इज इक्वल तो इसको समझिए क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक एफ एन स्ट्रिंग दिया, आई एज लॉन्ग दिया, हमने एफ एन इक्वल टू एक फाइल का पाथ दे दिया, ठीक है, फिर आई इक्वल टू वन कर दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने स्क्रिप्टिंग फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन किया, राइट सर।
फिर हमने यहाँ पे इसमें क्या किया है कि सेट ऑब्जेक्ट फाइल इक्वल टू फाइल नेम को ऑब्जेक्ट, फिर हमने लूप चलाया कि कब तक चले, जब तक कि फाइल की लास्ट तक चले। फिर हमने बोला कि लाइन अगर नॉट इक्वल टू लाइन मतलब कि स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको रीड लाइन कर दिया कि लाइन को रीड करेगा, और हमने बोला कि अगर लाइन अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है देन क्या इस लाइन को ऊपर पेज कर दे। अच्छा ये FSO ऑब्जेक्ट ओबीजे फाइल ओबीजे एसओ नथिंग इस वाले दिक्कत है। नथिंग वाला सिस्टम जो है अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया ना, इसलिए अब देखते हैं क्या किया है इसने। डेटा ऐड तो किया है लेकिन एक ही सेल पे, हमने डेटा को तुड़वा तो दिया लेकिन फिर एक एक ही सेल पे गया है सर। अब माइक्रो बस टेक्स्ट टू कॉलम का करना है और क्या क्या सर, टेक्स्ट टू कॉलम का माइक कर लेंगे हो जाएगा। डेटा फॉर्म में उसने डाला लेकिन अलग अलग सीट पे नहीं डाला। तो चलिए इस माइक्रो इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा।